नमस्कार, मेरा नाम है डाइटिशियन तान्या हिम्स हॉस्पिटल से। आज मैं आपको हल्दी के कुछ गुणों के बारे में बताऊंगी, जिसको हम एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्पाइस या मेडिकेटेड हर्ब भी बोलते हैं। अगर हम अपनी हार्ट हेल्थ की बात करें तो नॉर्मल हमारी ये हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। कुछ जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, अल्फाइजर और हमारा कैंसर है, अर्थराइटिस है, इन बड़ी बड़ी बीमारियों को लड़ने के लिए भी हल्दी हमें बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। और अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो नॉर्मल जो डेली रूटीन में हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्पेशली जो आयुर्वेदिक होते हैं या फिर जो हर्बल होते हैं, उनमें हम हल्दी का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल अगर हम नॉर्मल को हम कोई फेस का पैक बना रहे हैं तो उसमें भी हम हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी पिम्पल्स वगैरह की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम डिप्रेशन की बात करें, जो आजकल का नॉर्मल यूथ है उनमें डिप्रेशन जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हल्दी में एक पावरफुल एज अ कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो मैं आशा करती हूँ लास्ट में कि आप अपनी डेली रूटीन में हल्दी को ज़रूर ऐड करेंगे। और अगर हम सुबह खाली पेट एक दो छोटे छोटे से इतने इतने से पीस अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे, खाली पेट खाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।